नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। स्वागत करता हूँ फिर से आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता ही है, हल्द्वानी में आजकल चल रहा है कुमाऊं द्वार महोत्सव। जैसे कि पिछले 3 दिनों से मैं लगातार वहाँ का कार्यक्रम शूट करके आपको दिखा रहा हूँ, तो आज के कार्यक्रम में भी मैं जा रहा हूँ। तो आज वहाँ पे मेन सिंगर आने वाले हैं इंदर आर्या, दीपा नगरकोटी, लता तिवारी और क्रीम पाउडर की फेमस एक्टर श्वेता मेहरा आएंगे, उनका भी परफॉर्मेंस रहेगा आज। और आज मुख्य अतिथि के रूप में हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी रहेंगे। तो आज का भी पूरा कार्यक्रम मैं आपको दिखाऊंगा, तो आप बने रहना वीडियो में लास्ट तक। तो सीधे मैं मिलता हूँ MB इंटर कॉलेज के ग्राउंड में। बहुत जोरदार तालियों के साथ छोलियारों को आप आशीर्वाद दें। अब छोलियार इस मंच से ग्रीन रूम की ओर प्रस्थान कर रहे हैं, कृपया जोरदार तालियां। और ये भाग्यशाली हैं कि उत्तराखंड के मुखिया, जिन्हें अपने संस्कृति, अपने सभ्यता और अपने परंपराओं, रीति रिवाजों के प्रति अनुराग है, उनके समक्ष आज इस कार्यक्रम को प्रस्तुत किया जा रहा है। अभी अभी मुझे आदेश मिला है माननीय मुख्यमंत्री महोदय को मंच पर आमंत्रित किया जा रहा है, और हम एक साथ सामूहिक रूप से अपने संगीतकारों, अपने कलाकारों को सम्मानित कराकर माननीय का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। माननीय के पास अल्प समय है, सीमित समय है, इसके बाद अन्यत्र जाना है, इसलिए सर आप यही बने रहना। ललित जी, एक ग्रुप फोटोग्राफ आपका होगा, एक साथ फोटोग्राफ एक साथ हो जाएगा प्लीज, ताकि हम बस माननीय का सानिध्य हमें मिल गया है, इससे बड़ी बात क्या होगी। आप यहीं पे बने रहे, मत नापिए सदियों को तारीखों से, इन्हें नापने को दो लम्हे ही प्यार के काफी है। ये प्रत्येक कलाकार को माननीय मुख्यमंत्री महोदय जानते हैं, सभी को आशीर्वाद देते हैं, एक एक व्यक्ति को जानते हैं। हमारे लिए परम सौभाग्य की बात है। राकेश खनवाल, ये है क्रीम पाउडर, और ये है हरीश भट्ट जी, और हरीश भट्ट के पीछे पवनदीप राजन के पिता श्री सुरेश राजन जी, ये सम्मान प्राप्त करते हुए मेरे जी सभी से अनुरोध है, एक लाइन में एक साथ ग्रुप बना लीजिएगा, और बहुत जल्दी हम इस सम्मान को यहाँ पर संपन्न कर रहे हैं। जब माननीय से सम्मान समारोह की बात की गई, तो माननीय ने वहाँ से हमें टेलीफोनिक मैसेज किया कि कलाकारों को सम्मान देना बड़ी बात है, आप कलाकारों को ही मेरे हाथों सम्मानित कराएं, इसलिए कार्यक्रम में थोड़ा परिवर्तन हमने किया। और अब उत्तराखंडी गीत संगीत को सम्मान दिलाने वाले पटना से श्री निरंजन शर्मा, श्री हिमांशु पाठक हमारे उद्योगपति, जिन्होंने हमारे साथ बहुत सहयोग किया है, ये एक साथ आ जाए प्लीज। ये सर पटना में है, पटना से आए हैं निरंजन शर्मा, उत्तराखंडी गीत संगीत को बहुत ज्यादा मान देते हैं, न जाने कितने उत्तराखंडी कलाकारों को आपने प्लेटफॉर्म दिया है। हिमांशु पाठक हमारे उद्योगपति हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, इनका सम्मान किया जा रहा है उत्तराखंडी गीत संगीत को प्रमोट करने के लिए। श्री राजेश देवली जी बहुत ही मेहनत और शक्त के साथ इस अनुष्ठान में हमारे साथ है। श्री जगदीश पिमोली जी टैगोर विद्यालय के प्रबंधक हैं, मालिक हैं, डायरेक्टर हैं, जगदीश जी हमारे मध्य उपस्थित हैं, और बिल्कुल सहकारिता और सहयोग से हमारा यह अनुष्ठान संपन्न हुआ है। भैयू जोशी जी, काकू जी, ढिल्लन जी और पंकज जी सम्मानित होंगे, बस इस क्रम को हम संपन्न कर रहे हैं। समाज या भौगोलिक दृष्टि से अंतिम छोर के व्यक्ति को हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय प्राथमिकता देते हुए इसे प्रथम व्यक्ति के रूप में सम्मान देते हैं। नीलेश जी अभी शायद शेष रह गए हैं, शिष्टता, सौम्यता, शालीनता, कर्मठता के धनी और कुशल नेतृत्व क्षमता, कुशल प्रशासक व निपुण राजनीतिज्ञ माननीय मुख्य अतिथि हमारे मध्य उपस्थित है। श्वेता मेहरा को यहाँ पर सम्मानित किया जाता है, ललित और इसी के साथ लता तिवारी, श्वेता मेहरा। Thank you.
हमारे जिलाधिकारी समस्त और रंगारंग कार्यक्रम सभी हमारे संस्कृति के विविध रूप दर्शकों को देखने के लिए मिल रहे हैं। मुझे आशा है कि पूरा विश्वास है कि हमारी युवा पीढ़ी अपनी सांस्कृतिक विरासत को पहचानेगी तथा इसके विस्तार के लिए अपने से जो भी योगदान हो सकता है उस योगदान को निश्चित रूप से सुनिश्चित करें। अभी अनेक मंचों पर मुझे जाने का अवसर मिलता है जहाँ पर उत्तराखंड के लोग अनेकों ऐसे सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करते हैं। मैं उन सभी से कहता हूँ कि अपनी संस्कृति से और अपनी जो धरोहर है जो हमारे पूर्वजों के द्वारा हमको विरासत में मिली है उसको सजोने का, उसको संवारने का और उसको आगे बढ़ाने का दायित्व अगर किसी के ऊपर है तो हमारी नौजवान पीढ़ी के ऊपर है, हमारे युवाओं के ऊपर है। ये हमारे जो संस्कार है, ये हमारी विरासत है, इसका बहुत बड़ा असर होता है। भाइयों बहनों, आज लोक संस्कृति के क्षेत्र में हमारा उत्तराखंड हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। Thank you.
नकल विरोधी कानून और नकल विरोधी कानून से हमारे युवा हमारे बच्चे सभी प्रभावित हैं, उत्साहित हैं और इन्हीं शब्दों को गीत के रूप में ला रहे हैं टनकपुर निवासी श्री हरीश जोशी हरु। आप भी सुनिएगा, एक एक शब्द पर गौर कीजिएगा कि नकल विरोधी आंदोलन से क्या कुछ होगा और क्या प्रेरणा हरु के गीत से हमको मिल रही है। जोरदार तालियों के साथ हरु जोशी। धन्यवाद सर, यहाँ पर उपस्थित सम्मानित जनता को मेरा प्यार भरा प्रणाम। सामने सर बैठे हैं और मैं गाना ना गाऊं ऐसा तो होगा नहीं, और नकल विरोधी कानून पे मैंने गाना बनाया था। एक बार जोरदार तालियां सीएम सर के लिए, जोर से हमारे हम युवाओं के लिए जो कानून बनाएगा जोर से तालियां। तो आइएगा, अब नहोली नकल सब के जली अकल, अब नहोली नकल सभी को प्रणाम एक बार। और आज
कुमार द्वार महोत्सव में आज आप सभी के समक्ष आया हूँ। आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आदरणीय बड़े भाई साहब गोविंद डिगारी जी, उनकी समस्त पूरी टीम का मैं आभार धन्यवाद प्रकट करता हूँ। आदरणीय सीएम साहब जी भी आए हैं, आपका भी स्वागत अभिनंदन, और आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद आभार। ज्यादा शब्द ना बोलते हुए, हे नंदा हे गौरा, कैन कैन छोड़िए हाथ लगाने को, नंदा सुनंदा मैया की, विशाल भगवान की, वंशदार बाबा की, बटीन भगेना हे नंदा भवानी, सोन भादो को मैना, सोना से ही पाई, हरे रामो हरे शिवो हरे, वो चांदी को छतरा तेरो ओला साई डोला, हरे रम कदि झम कदि जली ऊंचा कबीला शो, वो जली मेरी माता ऊंचा कबीला शो, हरे रामो हरे शिवो हरे, वृंदा मैया की, दोनों हाथ खड़े होके बोले खुदा सुंदा मैया की, ताली के साथ शोरी को संगला,
भुजला भुम्याला कदे भी हरे रामो हरे शिवो हरे बोले की हंसू सुभागे गोख भागे ओते जय माता तू आशीष बचना। अब एक बार साइड से हे नंदा कैलाशो हे नंदा कैलाशो प्यार हे नंदा
लव आप लोगों ने दिया है। और आइए इसी के साथ जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं आप सभी के बीच में दीपा नगर कोटी। ताली आप लोग अपने लिए बजा दीजिएगा। क्या बात, आइए एक न्याली गीत। Thank you.
I'm gonna go get some more.
Thank you.
हमारी कुमाऊं की लता जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। और सीधा राकेश पनेरू जी से रिक्वेस्ट करूंगी अगले गीत की तरफ प्लीज। हाँ
Cream Bonner of Fame again over here on the stage, Shweta!